इस वीडियो में आप सीखेंगे कि आप जियो फोन में मेमोरी कार्ड किस तरह से लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो शुरू करते हैं और सीखते हैं कि हम अपने जियो फोन के लिए मेमोरी कार्ड किस तरह से इंसर्ट करेंगे डालेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे के बटन जरूर दबाइएगा, जिससे आपको इसी तरह के लेटेस्ट और नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो चलिए यह रहा हमारा मेमोरी कार्ड, 2GB का मेमोरी कार्ड है। अब इसको हम इंसर्ट करेंगे इस फोन में, चलिए जियो के फोन में मेमोरी कार्ड। तो चलिए इसको सबसे पहले हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के लिए यहाँ पे आपको दिया है कट, यहाँ से आपको ओपन कर लेना है। ये देखिए ये फोन ओपन हो चुका है। ये अब ओपन होने के बाद चलिए सबसे पहले इसको हम बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे पावर ऑफ इस तरह से बंद करें, जिससे कि आपका फोन, इससे काफी असर पड़ता है फोन के ऊपर। तो चलिए अब बंद करने के बाद हम इसको, ये बैटरी को निकालेंगे, रिमूव करेंगे। तो ये रहा हमारा बैटरी, पूरी तरह से रिमूव हो चुका है, ये देखिए। तो चलिए अब यहाँ पे जो स्लॉट वन ये सिम के लिए जो दिया हुआ है, एंड सेकेंड ये माइक्रो एसडी कार्ड के लिए दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए ये जो हिस्सा है इसको यहाँ पे गौर से आप देखिए, ध्यान से यहाँ पे इस तरह जैसे आपको बना हुआ, यहाँ से पहले से आपको बना हुआ दिखाई देगा। ओके, तो यहाँ पे बना हुआ रहता है मेमोरी कार्ड का स्टाइल का एक, कि इस तरह से आप इसको इंसर्ट करें, इसमें डालें। तो यहाँ पे इस तरह मेमोरी कार्ड को लेने के बाद ये इस तरह, जिस तरह इसमें बनाया हुआ सेम इसी तरह लेने के बाद अब इसको इंसर्ट करेंगे। तो चलिए इसको इंसर्ट कर देते हैं। तो ये हमारा मेमोरी कार्ड इसमें पूरी अच्छी तरीके से फिट हो चुका है। तो जिस तरह से मैंने बिठाया है इसी तरह से आप भी बिठा लें अच्छे से। उसके बाद चलिए देखते हैं कि इसमें मेमोरी कार्ड इंसर्ट करने के बाद इसमें बताता है या नहीं मेमोरी कार्ड। तो चलिए इसको करते हैं बंद, चलिए देख लेते हैं। तो अब हमारा मोबाइल ऑन हो रहा है। तो चलिए अभी हमारा मोबाइल ऑन हो चुका है। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एसडी कार्ड डिटेक्टेड का ऑप्शन आ रहा है, या मतलब यहाँ पे हम एसडी कार्ड इसमें डाल चुके हैं। तो चलिए इसमें सेटिंग का ऑप्शन ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसमें एसडी कार्ड लगा है या नहीं। तो चलिए यहाँ पे हम चलेंगे पर्सनलाइज और यहाँ पे, तो चलिए ये जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये फाइल मैनेजर का ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। तो फाइल मैनेजर में जाकर के आप चेक कर सकते हैं कि आपका इस मोबाइल में मेमोरी कार्ड लग चुका है या नहीं। तो चलिए इसको ओके करेंगे। तो ओके जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे इंटरनल मेमोरी कार्ड और यहाँ पे एसडी कार्ड, जैसे कि मैंने अभी आपको सामने एसडी कार्ड डाल के दिखाया। तो ये रहा हमारा एसडी कार्ड। तो ये इस तरह से आप जियो मोबाइल में एसडी कार्ड या मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के बाद घंटे के बटन जरूर दबाएं। तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।